शांत सुरम्य पुण्य सलिला नर्मदा नदी प्रदेश की जीवनदायिनी है। अमरकंटक से प्रारंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात के विशाल भूभाग को अपने अमृत तुल्य जल से संवारती अरब सागर में लीन हो जाती है। नदी के लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तटीय भूभाग के निवासी करोड़ों लोगों के लिए नर्मदा जीवन के संस्कारों का अभिन्न अंग है। मानव संस्कृति की अनगिनत जीवन रेखाएं इस दिव्य नदी के सहारे पली बढ़ी और समृद्ध हुई हैं। नर्मदा की अतिरिक्त किंतु विपुल जलराशि पनबिजली के निर्माण, सिंचाई तथा औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु प्रयुक्त की जा सकती है। इस हेतु ये प्रयास वर्षों से जारी थे, किंतु बृहत्तम स्वरूप में इसे साकार करने का बीड़ा उठाया है NHDC ने। 1 अगस्त 2000 को NHPC एवं मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त उपक्रम के रूप में इस निगम ने अपनी बागडोर संभाली एवं लगभग 3 वर्ष की अल्पावधि में एक लंबा फासला तय किया। NHDC का कॉरपोरेट ऑफिस भोपाल में पर्यावास भवन में स्थापित किया गया है। पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की तकदीर की नई इबारत इसी इमारत में गढ़ी जा रही है। वर्तमान में NHDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री योगेंद्र प्रसाद एवं मुख्य कार्यपालक श्री SK डोडेजा के कुशल एवं कर्मठ मार्गदर्शन में परियोजना का कार्य संचालित हो रहा है। NHDC दिन प्रतिदिन कदम दर कदम मील के पत्थर स्थापित करती हुई अपने शैशव काल से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रही है। इंदिरा सागर परियोजना तथा ओंकारेश्वर परियोजना को भारत सरकार की ओर से विशेष सहयोग दिया जा रहा है। राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग, अपने सुव्यवस्थित कौशल एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के साथ NHDC अपनी प्रकाश यात्रा पर उत्तरोत्तर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली ओंकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजनाओं एवं गुजरात में निर्माणाधीन सरदार सरोवर परियोजना की सूत्रधारिणी है इंदिरा सागर परियोजना। बनने के बाद इंदिरा सागर बांध की अधिकतम ऊंचाई 92 मीटर होगी। निर्मित होने के बाद इंदिरा सागर जलाशय की क्षमता भाखड़ा जलाशय से 1.25 गुनी ज्यादा होगी। 913 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे विशाल जलाशय देश की 100 करोड़ जनता की पीने के पानी की साल भर की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। इस जलाशय में 12.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की संग्रहण क्षमता होगी, जिससे 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इंदिरा सागर परियोजना में 1000 मेगावाट के विद्युत उत्पादन के लिए 125 मेगावाट की 8 इकाइयां लगाई जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। प्रथम इकाई में रोटर स्पिनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस वर्ष के अंत तक 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा और वर्ष 2004 तक इंदिरा सागर परियोजना अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। डूब क्षेत्रों में आने वाली रेलवे लाइन का खिड़किया एवं तलवड़िया स्टेशन के सुरक्षित क्षेत्र से होकर जाने का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है एवं मध्य रेल इसे शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु कटिबद्ध है। इस हेतु 350 करोड़ रुपए का पैकेज मध्य रेल को दिया जा चुका है। सपनों को साकार करने की कवायद बांध पर चल रही है और नए सपने सजाने की कोशिश पुनर्वास बसाहटों में जारी है। एक सर्वमान्य स्वीकृत व आकर्षक पुनर्वास व पुनर्स्थापना नीति इसके लिए अपनाई जा रही है। इंदिरा सागर परियोजना में 1160 करोड़ रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है, जो भारतवर्ष में किसी अन्य परियोजना से अधिक है। पुनर्स्थापित गांव सतवास में एक आदर्श बसाहट ने आकार ले लिया है। हस्तशिल्प विकास केंद्र, माध्यमिक विद्यालय, विद्युत व्यवस्था के लिए पर्याप्त एवं आवश्यक ढांचा सब कुछ है यहाँ। अपने नए एवं
बेहतर स्वरूप में। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्य में परम पूज्य संत सिंघाजी समाधि स्थल के पुनर्स्थापना का कार्य इसके मूल स्थान पर ही प्रगति पर है। उजाले की ओर बढ़ते कदमों का द्वितीय अध्याय है ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना में 520 मेगावाट के विद्युत उत्पादन के लिए 65 मेगावाट वाली 8 इकाइयां लगाई जाएंगी एवं बांध की अधिकतम ऊंचाई 73.12 मीटर होगी। ओंकारेश्वर परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरणीय एवं वानिकी संबंधी सभी अनुमतियां हासिल कर ली गई हैं। अभी हाल ही में ओंकारेश्वर को भारत सरकार द्वारा CCEA क्लियरेंस प्रदान कर दिया गया है एवं शीघ्र ही इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। NHDC ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के समक्ष सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। बड़वाह से सिद्धवरकूट के रोड के चौड़ीकरण एवं निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। सुरम्य वादियों के बीच स्थित जैन तीर्थ सिद्धवरकूट तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए अब और भी आसान हो गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। यहां मामला जुगलबंदी का है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में जब 94 वर्ग किलोमीटर का जलाशय आकार ले लेगा तो इस महान तीर्थ की आभा में 4 चांद लग जाएंगे। बांध का निर्माण हो, विद्युत का उत्पादन या फिर बांध के कार्यों में लगे कर्मचारियों के परिवारों का संरक्षण, NHDC पूरे समर्पण भाव से अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित है। NHDC से जुड़े हर व्यक्ति की दृष्टि लक्ष्य पर है और लक्ष्य है इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना को साकार रूप देना। रोशनी की ओर अग्रसर NHDC का शक्ति की साधना में समर्पित जनता के सहयोग से जनता के लिए ये एक महान अभियान है।